हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं फिर से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी, आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। और ये जर्नल रीडिंग होगी तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच ना करें, और ये सभी जोडियक साइंस के लिए होगी। आप सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है, अपने पार्टनर का नेम चेंज करना है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाटोन, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैम्फर, हमारे व्यूवर्स की हेल्प कीजिए उनके पार्टनर के साथ, उनके रीयूनियन में, हस्बैंड वाइफ को मिलाने में, कमिटमेंट दिलाने में, उनकी शादी करवाने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड जस्ट प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, सो नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स की लाइफ में से थर्ड पार्टी का एंड कर दीजिए, उनके शादी करवा दीजिए जिससे भी वो शादी करना चाहते हैं, उनकी लाइफ के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी डाल दीजिए, उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दीजिए। ओके, वाह, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, एक और कार्ड है, जस्ट वन मोर कार्ड प्लीज हमें दीजिए हमारे भी। ओके, चलो, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से। जो अनमैरिड है उनकी शादी होने वाली है, जो सिंगल्स हैं, जो मैरिड है उनके हस्बैंड या वाइफ उनके पास बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब खोना नहीं चाहते हैं। ब्यूटीफुल, खोना नहीं चाहते हैं, उनको संभाल के रखना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में बराबर का प्यार था। अगर आपने अपना 1000% दिया है इस रिश्ते में, तो आपके पार्टनर भी आपको 1000% ही देंगे। आप दोनों के बीच में जो कास्ट रिलेशन, एज गैप, एक मैरिड एक अनमैरिड था, उस सब के लिए आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ही आना है, आपसे रीयूनियन करना है, आपसे शादी करनी है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली और समाज के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हैं। और हो सकता है उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो अपनी फैमिली और समाज के साथ। ठीक है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है आपके पार्टनर। अब आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, वो कमिटमेंट हो सकता है गाइस यहाँ पर शादी का। यहाँ पर वेंस की एनर्जी है, बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन और शादी होती हुई देख पा रही हूँ मैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। आप लोगों में से किसी ने येलो, रेड, ब्लैक कलर का, या येलो, रेड और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट के ऊपर रेड ग्रीन फ्लावर्स हो सकते हैं, ब्लैक कलर के, रेड कलर के। आप दोनों के अंदर म्यूचुअल लव है, आप दोनों बराबर एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। पास्ट में अगर आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते थे, तो अब वो उसी तरह से उस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे, वो आपकी तरफ आके पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे कि अब मैं आ गई हूँ, अब आप संभालो सारी चीज़ों को, इस रिश्ते को, क्योंकि अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, नेगेटिव एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, उससे वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको यहाँ पे अभी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, आप लोग के सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो, बहुत जल्दी ऑफर करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके पास आकर। इस वक्त आपको खोना नहीं चाहते, जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर आपके पार्टनर गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी है, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, इतनी प्यारी एनर्जी है। तो आप लोग की शादी हो सकती है बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ में, और अगर आप मैरिड हैं तो रीयूनियन हो सकता है। और अगर आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो आपके पार्टनर समाज से लड़ने के लिए और आपको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ओरेकल देख से भी देख लेते हैं हम। ओके, आपके पार्टनर के पास अगर दो रास्ते थे, तो इस वक्त आपको चुनेंगे, क्योंकि शादी का कार्ड आया है यहाँ पर। दो रास्तों में से आपकी तरफ आने का रास्ता आपके पार्टनर ने चुन लिया है, डिसीजन ले लिया है आपके पार्टनर ने यहाँ पर, कि उन्हें आपकी तरफ ही आना है। जो भी लोग बोलेंगे उनका मुंह बंद कर देंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो एक पॉजिटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं इस वक्त आपके पार्टनर, क्योंकि उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
अपनी फैमिली में हो सकता है, अपने समाज में हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके बारे में। ओके गाइस, आप दोनों के साथ जो भी आपके पार्टनर अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई थी, आपको लगा कि मेरा पार्टनर ऐसा था और अब इतना बुरा कैसे हो गया, तो भी आपके पार्टनर चाहेंगे कि अब आप उन्हें माफ़ कर दें इस अटैचमेंट को। जैसे आप फील करते हैं वैसे आपके पार्टनर भी एक बोझ सा फील कर रहे हैं आपसे दूरियाँ बना के, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो गया है कि इस रिश्ते से वो छूट नहीं सकते। आपके पार्टनर किसी लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं, या फिर आप मतलब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो या तो आप दोनों के बीच में जो भी कास्ट रिलेशन का इश्यू हो उसके हिसाब से आपके पार्टनर आपको कोर्ट मैरिज का ऑफर कर सकते हैं कि आप दोनों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, इस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरह से एनर्जी में हैं, उनके हार्ट चक्र पे एंजल्स काम कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में पॉजिटिविटी आ रही है इस रिश्ते को लेकर, इसलिए शायद ये एनर्जी आई है कि जब अटैचमेंट इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो आपके साथ वो कोर्ट मैरिज का ऑफर कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंजाइटी में ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, तो आप इस एंजाइटी से प्लीज़ आप निकल जाइए। आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, खुश रहिए। नेगेटिव हो गया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पॉजिटिव रहना ही आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी है। अर्ध नागेश्वर टेम्परेस गाइस, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको ऑफर करने वाले हैं शादी का, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर गाइस, तो पॉजिटिव रहिए। ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, गॉड में सरेंडर कर दें। टेक केयर, बाय बाय।